अरे बहन सांप है तेरे पीछे। धप्पा ये। अरे छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आती। आंटी हमें चने खिलाओ ना। पहले बोल बेटा तू पैसा तो देगा ना। हाँ आंटी देंगे ना पैसा। हाँ फिर ठीक है। पर ऐसा क्यों पूछा आपने? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अबे वो सांप है भूत नहीं। दोस्तों आज हम आके पहुंच गए हैं राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे में। क्योंकि हम इतने बड़े ब्लॉगर हैं, हमको तो फ्री में अंदर एंट्री मिल जाएगी। मैडम वी आर ब्लॉगर्स, ये रहा हमारा चैनल का डिटेल। फाड़ दिया। इज्जत की धजिया उड़ने के बाद हमने अपनी बहन को टिकट काउंटर में टिकट लेने भेज दिया। जू में एंटर करते ही सबसे पहले आपको जो चीज नजर आएगी वो है टॉयलेट। चलो लगे हाथ टॉयलेट भी कराते हैं, टिकट के पैसे भी तो वसूल करना है। ओके। जैसे ही मैंने टॉयलेट में एंटर किया मेरी तो फटके हाथ में आ गई। इस टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ था और नल का पानी भी चालू था, पर अंदर कोई दिख ही नहीं रहा था। ये बहन हमारी उस नल के सामने खड़े होके कर क्या रही है? अरे बहन देख तुम्हारी जुड़वा बहन। ओए तू सिद्धि दास है ना जो डबिंग वीडियोस बनाता है? हाँ भाई मैं वही हूँ। हे बजरंग बली रक्षा करो हमारी। अबे क्या हुआ? फिर हम आ पहुँचे स्नेक पार्क में, जिसे देख मुझे मेरी बीवी की याद आ गई। अरे मेरा मतलब नागिन सीरियल बहुत देखती है ना वो। एक्सक्यूज मी नागिन जी, आप मौनी रॉय हो ना, प्लीज एक बार अपने असली रूप में आओ ना। अरे ये एकता कपूर कभी नजर आई ना डस दूंगी उसको, नाम खराब करके रखा है हमारा। ओ माय गॉड दोस्तों, शायद हमारी बहन अपनी असली रूप में आ रही है, भागो। चारों तरफ बस सांप ही सांप। दो सेकंड के लिए फट गई थी गाइस। अबे ये क्या चूहा। What? कमाल है। पाकेट मारो से सावधान भाई, अपना जेब संभाल वरना जो 10 रुपए जेब में पड़े ना वो भी जाएगा। हेलो सर थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, देखो पेट बाहर आ गया है आपका। अबे झोपड़ी के अपना पेट देख पहले। No. यहाँ बताया गया है कि किसी जमाने में सांप जो है वो चिपकली हुआ करती थी, जो समय के साथ अपना पैर गवा दी। क्या दोस्तों, मेरे घर में 4 चिपकली रहते हैं जिन्हें मैं खाना खिलाता हूँ। अभी पता चला है कि मैंने सांप पाले हुए हैं। हेलो घड़ियाल जी। हाँ तेरी मौसी का लड़का है ना वो। अरे कछुआ जी जरा इधर देखिए ना। चला जा झोपड़ी के, भाग यहाँ से। यहाँ लिखा गया है कि एक उल्लू उसके पीठ पीछे क्या हो रही है वो भी देख सकता है। ओके। ओह माय गॉड, हमारी बीवी को टक्कर दे रहा है ये तो। यहाँ बस सर्विस भी मिल जाएगा उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें चलने में दिक्कत आती है। भाई इसमें बैठते है ना पैर दर्द कर रहा है। अरे पागल है क्या, ये बस बड़े बुजुर्गों के लिए है। अरे चल रहने दे तू भिखारी। अरे बहन सांप है तेरे पीछे। हाँ रे एकदम नागधारी लग रही है, आजा अब नीचे। Okay. भाई तेरे पीछे सांप है, रुक जा हिलना मत। चल बे सिद्धिदास को उल्लू बनाएगी। अरे बाप रे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अबे वो सांप है भूत नहीं। बहुत ही डरावना जंगल है यार। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहूंगा तो जल्दी टोनी कक्कर का मार्केट खा जाऊंगा। भाई पता है क्या, लोग कहते हैं मेरी आंखें बिल्कुल हिरन जैसी हैं, बिल्कुल इसकी तरह। ओ हाँ बिल्कुल सही बोली बहन, सिर्फ आंखें ही नहीं तू तो दिखती भी कुछ इसी तरह है। यार जब से हम यहाँ आए तब से मैं देख रहा हूँ हमारी बहन इन नलों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही है, पता नहीं क्यों। कहीं नल उखाड़ने के फिराक में What's तो नहीं है? matter with you? अरे बहन देख उधर मेरा छोटा भाई शेर खड़ा है। देखा ऊपर वाले को भी ये जोक पसंद नहीं आया, मेरा छोटा भाई शेर लॉल। ओए मोर जी जरा नाच के दिखाइए ना। मेरे हस्बैंड से परमिशन ले लो पहले। ओके ओके कहाँ है वो? ऊपर। ओह सॉरी टू हियर दैट। अबे ऊपर झाड़ में। ओ सर जी आपकी श्रीमती जी को बोलिए ना जरा नाच के दिखाएं। हमारी बेबी किसी के इशारे पे नहीं नाचती है, तू बोले तो मैं नाच के दिखा दूं। अरे अरे नहीं नहीं सर रहने दीजिए। फाइनली जिसे मिलने आए थे हम वो घड़ी आ गया। अरे छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आती। अरे ये लोग तो दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ से भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं यार। अबे अंधों में शेर नहीं बिल्ली हूँ, दरवाजा खोलो बे मियाओ। ये पक्का आज नल उखाड़ के ही लेने वाली है। जू से बाहर निकलते ही हमें एक आंटी चने बेचते हुए मिली। आंटी हमें चने खिलाओ ना। पहले बोल बेटा तू पैसा तो देगा ना। हाँ आंटी देंगे ना पैसा। हाँ फिर ठीक है। पर ऐसा क्यों पूछा आपने? चोर लुटेरों से डर नहीं लगता साहब, फूड ब्लॉगर से लगता है। फिर हमारी नजर इस स्वच्छ एटीएम पे पड़ी, जहां आप लेफ्ट साइड के इस होल से कचरे डालोगे तो राइट साइड के होल से पैसे निकलेंगे। काश मैं अपनी बहन को भी इसमें डाल पाता।